विश्व हिंदू परिषद एवं आदिवासी समाज ने मिलकर आज झाबुआ में एक बैठक की और बैठक के बाद रैली के रूप में वो कलेक्ट्रेट पहुंचे और अवैध रूप से झाबुआ जिले में धर्मांतरण होने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप है कि वे एक साल से लगातार सरकार और प्रशासन को आगाह कर रहे हैं, सूचनाएं दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, मांग पत्र सौंप रहे हैं, बावजूद इसके भी अवैध रूप से धर्मांतरण की गतिविधियां नहीं थम रही हैं, नहीं रुक रही हैं। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। ज्ञापन सौंपते हुए जो प्रमुख वक्ताएं हैं उन्होंने कहा कि अब अगर प्रशासन ने अवैध धर्मांतरण की गतिविधियों को नहीं रोका तो जिम्मेदारी सरकार की और प्रशासन की होगी, क्योंकि उसके बाद वे खुद इस अवैध धर्मांतरण के खिलाफ मुहिम शुरू करेंगे। देखिए क्या कहा जिम्मेदारों ने। हमारा ज्ञापन देने की मांग में हमारे आदिवासी समाज में जो संस्कृति, ये हमारे आदिवासी समाज में जो है ना ईसाई धर्म परिवर्तन करवाते, हमारे समाज के हमारे को बचाना है। और ये 56 पादरी लोगों के नाम दिए, उनको भी विधिवत लो तो हमारे मतलब आदिवासी समाज को, हमारे को इसमें विश्व हिंदू परिषद ने पूरे समाज एकत्रित होकर हमने ये ज्ञापन दे रहे हैं। एक महीने के टाइम में इनको जो चर्च अवैध बने हुए और धर्मांतरण हर रविवार, हर शुक्रवार को हर गांव में, हर फलिया में हो रहे, इनको बंद किया जाए। प्रशासन से यही अपील करने आए हम, और इसको बंद किया जाए, नहीं तो बंद करेंगे तो फिर हम समाज वाले हम खुद कूट के फिर विवाद होगा, जो भी वो सब प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी इसकी। कमल महाराज, विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रमुख जी। पिछले 70 साल से स्वर्गीय खूम सिंह जी महाराज हमारे आदिवासी समाज सुधार संघ और विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले काफ़ी संघर्ष किया है आदिवासी का धर्मांतरण रोकने के लिए, लेकिन काफ़ी समय हो गया, न प्रशासन ने इसको गंभीरता से लिया है, न सरकार इस पर कोई ठोस कार्रवाई कदम उठा रही है। इसके बाद स्वर्गीय खूम सिंह जी महाराज का देहांत हो गया 2019 में, उसके बाद मेरी एंट्री होती है फौज में से। उसके बाद हमने आदिवासी समाज को मिले विशेष अधिकार, अनुसूचित क्षेत्र के हिसाब से जो विशेष अधिकार दिए गए हैं, 5वीं अनुसूची है, उस आधार पे अनुच्छेद 19(5)(6) के अनुसार कोई भी बाहरी संस्कृति धर्म अनुसूचित क्षेत्र में वर्जित रखा है, मतलब प्रतिबंधित रखा गया है। लेकिन यहाँ ज़िले में हमने देखा सारे संविधान कानून का उल्लंघन किया जा रहा है और आदिवासी का धर्मांतरण अवैधानिक तरीके से चला जा रहा है। तो हमने अनुसूचित क्षेत्र के प्रावधानों को समाज में जागृति के तौर पे समझाया, एक साल अभियान चलाया, उसके बाद समाज को एक एक प्रावधान समझ में आया। उसके बाद हमने सबने मिल के, समाज और विश्व हिंदू परिषद ने मिल के यहाँ पर आके मांग रखी है कि एक महीने के भीतर ईसाई धर्म प्रचार, अवैध धर्मांतरण और अवैध चर्च पूर्णतः बंद होने चाहिए। अगर पूर्णतः बंद नहीं होते हैं तो आदिवासी समाज अपने स्तर से अनुच्छेद 29 का उपयोग करते हुए हर गांव में खुद रोकेगा, जिसकी जवाबदारी संपूर्ण प्रशासन और सरकार की रहेगी, क्योंकि जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है ये रोकना, लेकिन मजबूरी में एक महीने बाद हमको उतरना पड़ेगा।